नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी यूट्यूब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल आईबी के पैटर्न पर हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न में ही आपको क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे और ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का हम लोग लेते हैं। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन तो आईबी में नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा उनका लेवल अच्छा होता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द वर्क विल कंप्लीटेड इन 9 डेज। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। ठीक है, आपसे यहाँ पूछा है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि ए और बी दोनों ने मिलकर किसी काम को करना शुरू किया। फिर होता क्या है कि कुछ दिनों बाद, वो दिन नहीं हम लोगों को पता है, वही दिन फाइंड कर ले, कुछ दिनों बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है तो बचा हुआ काम बी अकेले करता है। तो आपको बताना है कि ए कितने दिनों बाद काम को छोड़ के गया था। अगर ए और बी सेपरेटली उस काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हो तो इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए ए, यहाँ पर लिख लीजिए बी। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिनों में। बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। इतना आपने लिख लिया। इतना लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, देखिए टोटल वर्क यहाँ पर कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करूँगा और विद इन 2 सेकेंड आपके आंसर आ जाएंगे। अगर किसी को कोई ट्रिक नहीं समझ में आती है तो वो कमेंट करके बताएगा, मैं उसके लिए बेसिक मैथड से भी सॉल्व करके बता दूँगा। देखो, इसमें क्या होगा, ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क तो कांस्टेंट है, टोटल वर्क कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल वर्क 30 है, तो 30 ही क्यों माना, 40 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 60 भी। 30 इस वजह से लेते हैं क्योंकि 30 10 और 15 का एलसीएम है और जो किन्हीं दो नंबर का एलसीएम होता है तो उन दोनों नंबर को इजीली डिवाइड भी कर सकता है, यानी कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इस वजह से हमने 10 और 15 का जो एलसीएम होता है उसी को टोटल वर्क मान लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टोटल वर्क ये है, टोटल टाइम इनका अलग अलग ये है, वर्क ये है, तो इनकी ए की इफ़िशियंसी कितनी निकल आएगी, वर्क अपॉन टाइम, तो ए की इफ़िशियंसी आ गई 3। इसी तरीके से बी की इफ़िशियंसी कैसे आएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई बी का टाइम, तो 15 डिवाइड बाई 30 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ए और बी की अलग अलग इफ़िशियंसी भी पता चल गई। अब क्या करेंगे, देखो कह रहा है कि जब ए छोड़कर चला गया तो बी ने उसी काम को 9 दिन तक किया, तो बी ने कितना 9 दिन तक किया, तो बी ने उस काम का कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया। देखो 9 डेज इंटू बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 2, तो 9 × 2 करेंगे तो आ गया 18, यानी कि उस पूरे काम का जो 30 काम था, 30 यूनिट जो काम था उसका 18 भाग बी ने कर लिया है। तो 30 में से 18 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 12 भाग जो है वो ए को करना है, तो ये जो 12 वाला पार्ट है ये ए को करना है। तो ए इस 12 वाले काम, 12 यूनिट काम को करने में कितना समय लगाएगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ए का बचा हुआ काम डिवाइड बाई ए की इफ़िशियंसी 3, तो आ जाएगा 4, यानी कि ए इस काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि अ मैन गोज टू ऑफिस एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टेक्स 5 आवर इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। पूरा हिंदी में समझिए, कह रहा है कि ए यहाँ पर ऑफिस होगा, एक ये बंदा है जो अपने ऑफिस जाता है 3 किलोमीटर की रफ्तार से और वापस आता है 2 किलोमीटर की रफ्तार से, और आने और जाने में टोटल टाइम लेता है वो 5 घंटे का। तो बता रहा है कि स्कूल यहाँ से ऑफिस या स्कूल कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी बिल्कुल देखो वही वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे एक पहली स्पीड क्या है, 3 की स्पीड से जाता है, 2 की स्पीड से वापस आ रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने और जाने में डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो हम डिस्टेंस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम जो होगा 3 और 2 का वो ले लेंगे, चूँकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस है 6। अब देखिए 6 आपकी अगर डिस्टेंस है और ये है दूरी,
ये है आपकी चाल, तो दूरी 6/3 करेंगे, दूरी बटे चाल करेंगे तो समय आ जाएगा। तो जाते समय उसको लगा 2 घंटे, इसी तरीके से आते समय कितना समय लगेगा, 6/2 कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि आते समय लगा 2 यूनिट का टाइम। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल टाइम आने और जाने में लगा है 5 घंटे का, तो अगर टोटल टाइम 5 घंटे का लगा है तो यहाँ पे 2 यूनिट और 3 यूनिट को मिला के 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 घंटे के। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/5 × 6, यानी कि 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये सब शॉर्टकट से हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करना नहीं देखा हो, लेकिन ये सब सीखना है हम लोगों को शॉर्टकट में करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 वन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, देन फॉर गेनिंग 5% प्रॉफिट व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। कह रहा है किसी चीज़ को अगर ₹72 में बेचते हैं तो 10% का लॉस हो जाता है, तो बताओ अगर 5% का प्रॉफिट कमाना हो तो कितने रुपए में बेचेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हम मान लेते हैं कि वो उसके उस आर्टिकल का क्रय मूल्य यानी कि CP ₹100 था, तो सबसे पहले कह रहा है कि 10% लॉस पे बेच रहा है, तो यानी कि ₹90 का बेच रहा है, ऊपर बोला गया है ये 10% लॉस का बेचा, तो 10% लॉस का मतलब है ₹90 में बेचा। फिर कह रहा है कि 5% का प्रॉफिट बेचने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा, तो 5% प्रॉफिट मतलब 105 रुपये के 105 यूनिट में आपको सेल करना है। क्वेश्चन में दिया है कि जब हम उसको 10% लॉस पर बेच रहे थे तब वो ₹72 की थी, यानी कि ये जो 90 यूनिट हैं जो हमें 10% लॉस पर निकले, ये 90 यूनिट ₹72 के बराबर है। और हमको चाहिए क्या कि जब वो 5% प्रॉफिट पे यानी कि 105 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 105 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72/90 × 105, और आंसर आ जाएगा ₹84। आप इसको अभी तक एक्स मान के भी सॉल्व करते रहे होंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें शॉर्टकट हैं इससे सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 10%, द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इज एरिया। कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% से कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना का चेंज आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं, मतलब परसेंटेज को बढ़ाया घटाया जाए 2 या 3 बार तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। तो इसके लिए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, आसान पड़ेगा, x + y + xy/100। अब ये देखिए क्षेत्रफल लंबाई 20% से बढ़ी है तो इसको लिख लिया +20 क्योंकि बढ़ी है, फिर उसके बाद में चौड़ाई घटी है तो घटने के लिए माइनस लगा दिया, और जब प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ ही जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 8% आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आप 8% से उसको बढ़ा एरिया उसका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखो फाइंड द CP ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। किसी आर्टिकल का CP हमें निकालना है अगर वो ₹630 में बेची गई है और 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो x मान के तो आपको सॉल्व करना आता होगा, फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेते होंगे, यहाँ पे ना x मानेंगे ना फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो प्रॉफिट 12.5% का हुआ है तो 12.5% को कैलकुलेट करेंगे तो 12.5/1000 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी P/Q के फॉर्म में 1/8। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखनी है कि जब कभी भी जैसे प्रॉफिट हमारा लिखा है 1/8, कभी भी कोई चीज़ P/Q के फॉर्म में अगर लिखी होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/8, इसका मतलब हुआ कि 8 उसका था कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस था उसका ₹8, और जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी होती है वो उसका होता है प्रॉफिट। ठीक है, ₹8 में ख़रीदी थी, ₹1 का प्रॉफिट हुआ, कभी भी P/Q के फॉर्म में लिखा है तो इसका यही मतलब होता है। तो हम अगर किसी चीज़ के कॉस्ट प्राइस में उसका प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि 8 + 1 = 9 आपका हो गया सेलिंग प्राइस। और ये जो 9 यूनिट आया है, ये 9 यूनिट क्वेश्चन में भी तो आपको एक सेलिंग प्राइस दे रखा है कि सोल्ड एट ₹630 में बेची गई है, तो ये जो 9 यूनिट है
ये 630 के बराबर हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब मैंने अभी बताया कि 8 यूनिट जो है ये है आपका कॉस्ट प्राइस, तो 9 यूनिट का मतलब होगा 630, तो 8 यूनिट का मतलब कितना हो गया 630 डिवाइड बाई 9 इंटू 8 यानी कि 560 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन क्या करें, आईबी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही मैं सॉल्व कराऊंगा, आसान क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा यहाँ पर। सब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, हैड ही बॉट इट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹12 लेस ही वुड हैव अर्न 30% प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्राइस, कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि अगर कोई आर्टिकल 20% प्रॉफिट पर उसने सेल करी, ठीक, लेकिन कह रहा है अगर उसे 10% कम में खरीदते, 10% कम रुपए में खरीदते और 12 रुपए कम में बेच देते तो उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता। अब कह रहा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस है ₹100, ठीक। अब वो कह रहा है कि इसको हमने 20% प्रॉफिट पर सेल कर दिया यानी कि आपने ₹120 का इसको सेल कर दिया। फिर कह रहा है कि अगर हमने इसे 10% कम में ख़रीदा होता तो ₹100 की चीज़ थी, 10% कम में मतलब आपने ₹90 की मान लो ख़रीदी होती, ₹90 में ख़रीदी होती तो कह रहा है कि ही वुड हैव अर्न 30% प्रॉफिट, तो जब इसको बेचेगा तो उसे 30% का फ़ायदा हुआ। तो ₹90 की चीज़ है उसको 30% फ़ायदे पे अगर आपको बेचना है यानी कि आपको ₹117 में वो बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब पहले था सेलिंग प्राइस ₹120, अब है सेलिंग प्राइस ₹117, तो दोनों में पहले और अभी के सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस आ गया, 120 माइनस 17 करेंगे 3 यूनिट का डिफरेंस आ गया, यानी कि ये जो 3 यूनिट होगा, ये 3 यूनिट, जब ये 3 यूनिट का चेंज है वो तब हमारा CP है ₹90, ये 3 यूनिट का चेंज आएगा तब हमारा CP है ₹90 और हमको क्या चाहिए था 12 यूनिट का चेंज, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है कि ₹12 कम हो जाते हैं, तो 12 यूनिट का जब आपको कैलकुलेट, तो 12 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 90 इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी 4 का, तो ये 4 × 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 360, तो 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 360। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में एक अलग तरीके के ट्रिक से सॉल्व किए गए हैं, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये ट्रिक्स पहले से नहीं पता होगी, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं ये सारे क्वेश्चन बेसिक मेथड से भी सॉल्व करके बता सकता हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, ये वाली ट्रिक वाला या मैं जो बेसिक मेथड से क्वेश्चन कराता था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।